हे गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट तो यहां पे आपको जैसा कि थंबनेल से दिख रहा होगा की टी, टीईटी क्या है यानी कि टैट क्या है जैसा कि हम आपको सी टेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं अब आ रही है बारी आपकी टैट की बी एड के बाद आपके जितने भी एग्जाम्स नेशंस वगैरह होंगे उन सबके बारे में इसी तरीके से मैं टीजीटी पी जी टी जितने जी भी एग्जाम आप बी एड के बाद क्रैक कर सकते हो या बी एड का एग्जाम यानी कि बी एड में रहते हुए क्रैक कर सकते हो उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे आई होप कि आपको ये चार सारी चीजें समझ में आएगी अगर आएगी तो बिल्कुल अपना कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं एक से दो घंटे के अंदर जवाब दे दिया जाएगा लेकिन एट ए टाइम कमेंट करेंगे तो आप साल दो साल बाद करेंगे तो भी मैं देखूंगी तो जवाब पक्का दूंगी अगर आप इस चल पर नए हो तो कुछ सोचे मत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए टीई टी क्या है टीईटी -टी का पहले फोर्म फॉर्म जान लीजिए टीचर रिविटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आपकी जो योग्यता यानी कि टीचर बनने योग्य हो जाते हो दूसरी बात है कि यह टी टी जो आया है आप यानी कि किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं तो इसमें आप वन से लेकर एट क्लास तक के बच्चों को टीच कर सकते हैं दूसरी बात की मैं आपको बता दूं दो प्रकार के होते हैं एक होता है सी टेट एक होता है टैट सी टेट सीटेट होता है सेंट्रल लेवल के लिए जो आप पूरे भारत में कहीं भी भर सकते हो फॉर्म लेकिन ये जो टैट होता है ये आपके अपने ही राज्य में यानी कि आप जिस स्टेट से एग्जाम क्लियर करते हो उसी स्टेट में आपको क्या है जॉब मिलता है अब हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता करते हैं जैसे कि आपके मन में ये सवाल होगा तो ये सारे सवालों का हम वन बाई वन जवाब देंगे वट इज टीईटी टीईटी के बारे में हमने बता दिया इसकी योग्यता क्या है एज लिमिट क्या है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होता है एग्जाम पैटर्न कैसा होता है सिलेबस कैसा होता है इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो चलिए ये तो हमारा फिर देखिए योग्यता अब हम आते हैं इसकी जो योग्यता होती है यानी कि जो आप इलिजिबल हो या नहीं हो वो सारी जानते हैं तो इसकी योग्यता अभी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार ट्वेल्थ पास वाले भी अब इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बसरते आपने जो चार साल का बी किया हो वो लेकिन आप इसके लिए होंगे हम आगे भी बताएंगे उसके साथ बी जो इसकी योग्यता है ऑलरेडी मैं पहले वो बताई और देन इसके बाद ग्रेजुएशन प्लस बी यानी कि ये या आपकी होनी चाहिए नेक्स्ट हम आते हैं कि ट्वेल्थ पास वाले कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं पढ़ाने के लिए एग्जाम दे सकते हैं है तो वन टू फाइव के लिए और ग्रेजुएशन वाले वन टू एट के लिए किसके लिए तो ग्रेजुएशन वाले वन टू एट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और देन बी एड किया है तो आप एक से आठ तक के लिए जो आप योग्य हो अगर आप ट्वेल्थ पास करके जो बी एस सी इंटीग्रेटेड कोर्स चार साल वाला होता है देन आप वन से लेकर फाइव तक ही हो आप योग्यता दूसरी बात की मैं आपको एक बात और बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन अभी ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है होने वाली है जो दो में आई थी तो जब होगी तब तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अब क्या है कि एक साल का जब एम के बाद अगर आप बी करोगे तो फिर उससे भी आप कर सकते हो नेक्स्ट चलते हैं कि इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या है इसके लिए कुछ एज लिमिट होती है सीटेट में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें ऐसा है इसके लिए ये जनरल के लिए है बाकी बाकी और ओबीसी वगैरह के लिए नहीं है जनरल का मैं बता रही हूँ मिनिमम आपकी एज अठारह साल होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी एज थर्टी फाइव होनी चाहिए वही लोग क्या है इस टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन अगर आप एस सी हो ओ हो दे आपको यहाँ पर छूट भी दी जाती है तो ये आपके लिए नहीं है जनरल के लिए मिनिमम जो एज होता है जनरल इसका सिलेक्शन प्रोसीज़र क्या है तो इसके सिलेक्शन के लिए देखिए पेपर वन होता है और पेपर टू होता है देन इंटरव्यू होता है बट इंटरव्यू अभी लागू नहीं हुआ है ये जब नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 जब लागू हो जाएगी पूर्ण उपेन से तब इंटरव्यू को क्रैक किया जाएगा क्रैक करने के लिए आपको क्यों क्योंकि होता है ना कि बिहार में ऐसे भी हो रहे हैं वैसे बहुत सारे स्टेट में होते हैं कि टीचर का आप पेपर तो कोई भी रट कर दे सकता है आपके बदले लेकिन इंटरव्यू तो आप ही को फेस करना पड़ेगा तो ही तो आप योग्य शिक्षक माने जाओगे ना तो ये पेपर वन और पेपर टू आपके दो प्रकार के होते हैं फिलहाल अभी तक जो अभी आपने स्टार्ट भी सुना होगा तो ये इस तरीके की होती है नेक्स्ट चलते हैं कि पेपर वन में सिलेबस क्या क्या है इसका तो बिल्कुल सिलेबस सी टैट की तरह ही अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन करते हो तो टैट की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो जाएगी तो सेम एज इज यही है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन और टू बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे तो लैंग्वेज वन टू हिंदी और इंग्लिश को कहा जाता है याद रखिएगा कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी यानी कि इंग्लिश बहुत अच्छी है देन लैंग्वेज वन पेपर वन में उसे ही रखिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी डंप है तो लैंग्वेज पेपर वन पेपर टू ही रखिए क्योंकि आप हिंदी यानी कि हिंदी ही रखिए लैंग्वेज पेपर वन में देन क्या है कि हिंदी में आप छोटे छोटे पैसेज होते हैं आप स्कोर अच्छे कर पाओगे लेकिन इंग्लिश में पोयम होता है लिटरेचर होता है कुछ कुछ, से क्या, कुछ देते का उसके लिए कोई नहीं जानता तो ये सारी चीजें होती हैं और टेट आती कब है तो मैं बता दू जब वैकेंसी निकलेगी तो आएगी ऐसे ये सी टेट की तरह हर साल नहीं आती है तो जब वैकेंसी पेपर टू में भी सेम एज इट इज जो आपने पेपर टू सी टेट के लिए पढ़ा था सेम एज इट इज आपको इसमें भी वही पढ़ना पड़ेगा आई होप कि आपको ये सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी अगर क्लियर हो चुकी हो तो इस वीडियो पे अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग अस